सीवीटी एस्पिरेंट्स, एक कुएं का मेंढक बन के मत रहिए, जंप आउट ऑफ दिस वेल, मतलब एक चीज के पीछे मत भागिए, अपने होराइजन्स, अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड कीजिए। आई नो गाइस कि आप सभी का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सीवीटी का पेपर अच्छा नहीं गया, टफ आया था, जिसकी वजह से आप सभी एक लो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं अपने सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी, मतलब लिटरली गाइस बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, जो आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं सर्च करता रहता हूं वेबसाइट्स, बहुत चीजें समय पर चल रही हैं। अगर मुझे ह्यूमैनिटीज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो साइंस स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करनी। अगर गाइस हम लोग स्टैटिस्टिक्स को देखें, डेटा को एनालाइज करें, तो क्लोजली हमें देखने को मिलता है कि भारत में ज्यादातर बीएससी और बीटेक ग्रेजुएट्स नॉन एम्प्लॉयबल हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन बहुत ही सिंपल है कि जो करिकुलम इस समय पर हमें पढ़ाया जाता है वो 10-10 साल पुराना है और इसके अंदर रिवीजन नहीं हो रहा है। आपने भी जो एनसीईआरटी पढ़ी वो भी कई सालों से सेम तरीके से ही आपके पास आ रही है, जबकि जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हर साल अपडेट होती रहती है। एंड यही प्रॉब्लम की वजह से हमारे सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी कोडिंग सीखनी पड़ती है, बिकॉज एआई एंड कोडिंग इज द फ्यूचर। मैं अपने सभी सीयूटी साइंस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ देर के लिए मुझे सुनिए और मैं आपको एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूर देना चाहिए। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में गाइस आप सभी को बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जैसे कि IIT, IIIT, Amazon, Zomato, Swiggy, Rapido, इतने बड़े बड़े फील्ड से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए आते हैं। यहां पर गाइस आप सभी को रोबोटिक लैब्स मिलती हैं, AI हैकाथॉन्स में आप पार्ट ले सकते हैं एंड ड्रोन वर्कशॉप्स भी यहां पर कराई जाती हैं। एक बार गाइस अगर आप लोगों ने NST का करिकुलम चेकआउट कर लिए ना, यू विल बी टोटली अमेज कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है यहां पे। इवन गाइस आप सभी स्टूडेंट्स को मैकबुक भी दिया जाता है, जिससे आप सभी कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनको हैंडल कर सकें। साथ ही साथ यहां पे आपको 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है। एंड जैसे कि गाइस आप सभी इतना इंटरेस्ट से शार्क टैंक देखा करते थे, सेम तरीके से अगर आपको भी कोई स्टार्टअप आइडिया आता है तो आपको NST 1 करोड़ रुपीज का फंड भी प्रोवाइड करती है। एंड गाइस इतना सब कुछ पाने के लिए आप सभी को न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक गोल्डन चांस दिया है, एंड दैट इज कि मेरे सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स को बस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, एंड दैट इज NSAT। NSAT ये एक एंट्रेंस एग्जाम है न्यूटन स्कूल में जाने के लिए, न्यूटन स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये NSAT में रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 31 मई, और ये जो NSAT एग्जामिनेशन है ये 1 जून को कराया जाएगा। अब आप सभी का सवाल होगा कि भैया आप हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि गाइस आप सभी का जो NSAT का सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है आप सभी के CUET के सिलेबस का। जैसे कि इसमें सेक्शन 1 जो होगा ये जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जो आपके जनरल टेस्ट से मैच करता है। सेक्शन 2 होगा हमारे इंग्लिश का, जो हमारे CUET इंग्लिश से मैच करता है। एंड सेक्शन 3 होगा हमारे डोमेन से जैसा, जहां पे 10th की मैथ्स, 11th की मैथ्स एंड 12th की मैथ्स पे बेस्ड आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा अपने कुएं से बाहर जंप करो, अपने होराइजन को एक्सपैंड करो, सिर्फ CUET के पीछे मत भागो, और इस तरीके की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आप सभी को मिल रही हैं उसमें आप सभी इनरोल करो। इसमें गाइस आप सभी को 3 तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है। 100% स्कॉलरशिप आप सभी को मिलेगी अगर आपने NSAT के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया। इवन हमारे जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स मुझे दिख रही हैं, यंग विमेन लीडरशिप स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई बड़ी एकेडमिक अचीवमेंट हासिल करी है, या फिर आप लोगों ने इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा हासिल किया है, तो आप सभी को ट्यूशन फीस में 10% डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। और सभी स्टूडेंट्स ने अगर कोई बहुत बड़ा अकेडमिक अचीवमेंट हासिल किया है, जैसे JEE में कुछ अच्छा हासिल किया है, CBSE में अच्छी परसेंटेज आई है, या फिर KVPY जैसे बड़े बड़े ओलंपियाड्स फोड़े हैं, तो तब भी आप सभी को 10% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी।
तीन तरीके की स्कॉलरशिप्स भी इसके अंदर आपको मिल रही है। और गाइज मैं आप सभी को एट द एंड बोलना चाहूंगा कि एनएससीटी जैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट मेरे साइंस स्टूडेंट्स को स्किप नहीं करना चाहिए। 1 जून को आप सभी का एग्जाम होने जा रहा है, इसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार आप सभी न्यूटन स्कूल टेक्नोलॉजी का वेबसाइट को विजिट करिएगा। एक बार जब आप खुद बैठ के करिकुलम चेकआउट करेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड, एंड आप सभी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑल्सो गाइस आप सभी का इस समय पर सीयूटी एग्जामिनेशन भी ओवर हो चुका है, एंड इस समय पर आप सभी फ्री भी हैं। इवन आप सभी को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी नहीं करनी, बिकॉज जो करिकुलम आपका एनसैट में आएगा आपने ऑलरेडी उसको पढ़ भी रखा है। और ऐसा मैं आपको बोलूंगा कि यार आप सभी को ना अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अपनी सीट्स को सिक्योर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बाकी आप सभी बाद में जाके देख सकते हैं कि यार किस कॉलेज में मुझे जाना चाहिए। बट अभी फ्री हो, एक चीज के पीछे मत भागो, बेटर है अपने होराइजंस एक्सपैंड करो, अपने ऑप्शंस और बढ़ा के रखो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा यार आप सभी एटलीस्ट एग्जामिनेशन दे दीजिएगा जो 1 जून को होने जा रहा है, और लास्ट डे टू एनरोल इन एनएससीटी एग्जामिनेशन इज 31 मई। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ट्राई टू एनरोल एज सून एज पॉसिबल, कीप योर ऑप्शंस अवेलेबल विद यू, एंड में जाके देख लेंगे कि हमें कहां पर एडमिशन लेना है।